गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। देश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दो मुही राजनीति कर रहे हैं। कोई बासमती चावल को GI टैग दिलाने की बात करता है तो कोई इसका विरोध करता है। भाजपा में शामिल कांग्रेस विधायकों को लेकर नरोत्तम ने कहा कि जो विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं उनके क्षेत्र में कार्य नहीं किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जैसे तैसे भाजपा से 2-4 सीटें ज्यादा जीता दी, लेकिन नेता बैठे थे भोपाल में जो इसको संभाल नहीं पाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेताओं को बड़ी और लहलहाती फसल दी थी जिसको कांग्रेस नेताओं ने उजाड़ दिया। उन्होंने कहा घेराव तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का करना चाहिए और इनका कोई विरोध ना करे, इसीलिए ये सबका ध्यान भटका रहे हैं। मिश्रा ने कहा कांग्रेस में बड़ी विचित्र स्थिति है। एक तो ये बासमती चावल को टैग दिलाने के विरोध में हैं, तो दूसरे बोलते हैं साथ में धरना देते हैं। कमलनाथ सुंदरकांड करवाते हैं, दिग्विजय सिंह लंका कांड, ये जनता और किसान को गुमराह कर रहे हैं। कमलनाथ ने भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में विकास नहीं किया, अब काम नहीं होगा तो उनके क्षेत्र में विकास कैसे होगा? देखो मित्र, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ना, ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। इसने जैसे तैसे जिता के कांग्रेस की सीटें भाजपा से 2-4 ज्यादा जिता दी। अब सीटें उनने ज्यादा दिखा दी और नेता बैठे थे भोपाल में, ये नेता उसे रखा नहीं पाए। खड़ी फसल जो लहलहा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दी थी वो उजड़वा दी। तो घेरा होना चाहिए कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, उनका न हो इसलिए उस कार्यकर्ता का ध्यान बांटने के लिए कभी दंडोतिया जी की तरफ कर देते हैं, कभी किसी दूसरे नेता की तरफ कर देते हैं। दोस्त तो इनका है। बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। इनका एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश के चावल को बासमती का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बासमती के लिए हमारे संग धरने पर बैठे, एक पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरकांड का पाठ कराता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री लंका कांड के लिए शिलान्यास पर सवाल उठाता है। ये दो मुही राजनीति है कांग्रेस की, अब पूरा देश समझ गया है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, दोनों कोरों से हाथ टेकने का इनका स्वभाव है। ये जनता को किसान को बेवकूफ समझते हैं, इसलिए देश के अंदर कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। अब बचे ही कितने लोग हैं कांग्रेस में? जो बचे हैं उनमें से फिर दें किसको? अगर इनको भी हटा दें तो फिर किसको दे दें? इनको कोई भी कुछ नहीं मानता, ये खुद ही नहीं मानते होंगे अपने आप। अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए वो लोग, उनके क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी ने विकास नहीं किया, यही तो उनकी पीड़ा थी। और ये पीड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं हरेगी तो कौन हरेगा? हम मानते हैं कि उनके क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, इसलिए वहाँ ज्यादा विकास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर कहा कि ना ही वे कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और ना ही विधायकों को ज्ञान पर प्रश्न उठा रहे हैं। उन्होंने कहा जो मंत्री बने हैं वे सिर्फ इस्तीफे देने के बाद बने हैं। सच तो ये है कि न्यायालय का समय जाया किया जा रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।